स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो देखिए, रीजनिंग में हम लोगों ने कैलेंडर पढ़ा था। कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको जल्दी कराऊंगा। आज मैं शुरू करता हूँ डाइट यानी कि पासा। तो देखिए, पासे के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें पहले जान लेते हैं। देखिए, पासा होता क्या है? पासा एक हमारी चौकोर आकृति है जिसको हम, देखिए, एक घन की आकृति रहती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। तो देखिए, मैं पासे की आकृति बनाता हूं। पासा जो हमारा बना होता है वो हमारा किस पे बना होता है साथियों? वर्ग पर। ये हमारा वर्ग बनाया हमने और वर्ग पर ही हम क्या बनाते हैं? पासा बनाते हैं। तो देखिए, ये हमारी आकृति है किसकी? पासे की। इसमें मैं कहूं ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी क्या है? ऊंचाई है। तो देखिए, पासे में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर क्या होती है? ऊंचाई। क्लियर? पासे में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जो बच्चे लूडो खेलते हैं, वह जो गोटी जो हमारी रहती है, वो हमारी क्या होती है? पासा होती है। देखिए, मैं एक, मेरे पास वैसे क्यूब है, लेकिन वही हमारा जो पासे का आकार इसी तरह का रहता है। पासा भी हमारा क्या होता है? सेम आकृति पासे की रहती है, बस इसमें हमारा, देखिए, घन में क्या है? इसमें धारियां रहती हैं, यानी कि इसमें क्या होंगे? हमारे तीन रो और तीन कॉलम हैं। तो ये हमारा क्या है? घन। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसे क्या मानता हूँ? पासा। पासे में भी क्या होता है भाई? इसी प्रकार की आकृति हमारी पासे की रहती है। जो बच्चे जो लूडो खेलते हैं, वो हमारी आकृति क्या होती है? पासा होती है। तो ये वही सेम आकृति है, बस आकृति थोड़ी बड़ी है और इसमें लाइनें हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर ये प्लेन आकृति होती है, कि कलर होता, तो हमारा ये क्या कहलाता? पासा। अब देखिए, पासा है ये। तो पासे की अगर मैं बात करूं, तो पासे में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है साथियों? बराबर होती है। तो देखिए, मैं बात करूंगा, पहली बात हम करेंगे पासे में जो सतह होती है, सतह कितनी होती है? सतह मतलब क्या होता है? फलक। सतहों से मतलब क्या है? फलक। फलक कितने होते हैं हमारे? छह फलक होते हैं। फलक कौन सी होती है साथियों? फलक देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितने फलक होती है हमारे? छह। अगर मैं बात करूंगा दूसरी बात, कोने, तो साथियों कोने कितने होते हैं हमारे? कोने जो होते हैं वो कितने होते हैं? आठ होते हैं। देखिए, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांच, छह, सात और आठ, ये हमारे क्या है? कोने हैं। तीसरी मैं बात करूंगा कोरे, तो देखिए कोरे हमारी कितनी होती है? बारह। कोरे कितनी होती है? बारह। एक, दो, तीन, चार, चार कोरे इधर है और चार ही कोरे हमारी इधर है, कितनी हो गई? आठ। और नौ, दस, ग्यारह और बारह। तो हमारी कोरों की संख्या कितनी होगी साथियों? बारह होगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण चीज है, वैसे इसकी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ने वाली है, लेकिन जब आप क्यूब पढ़ोगे, जब आप घन पढ़ोगे, तो मैं आपको पूरा घन बिना फार्मूले के इसी के माध्यम से, इसी लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, नेक्स्ट चैप्टर में आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो वहां आप देखोगे जो घन हमारा होगा, उसको बिना फार्मूले के हम बहुत ही इजीली और बहुत ही शॉर्टली किस तरह से लगाते हैं, और आपका क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा। तो पासे में ये छोटी छोटी बातें हमें अभी पता होना चाहिए। अब देखिए, मैं बात करूंगा कि अभी हमें पता लग चुका है कि पासे में कोने कितने होते हैं, कोरे कितनी होती हैं, पासा किसे कहते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या रहती है कि पासे की विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। जब आप बंद पासा करोगे, यानी कि खुला पासा जब आप करोगे, खुली आकृति बनी दे रखी होगी, और अब उसके बाद कहेगा आपसे कि बताइए बंद करने पर निम्नलिखित में से कौन सा पासा आपका बनकर तैयार होगा। तो मेरे भाई, वहां पर आप लोगों के लिए पासे के बारे में ये जरूर पता होना चाहिए कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। जैसे ये हमारा इधर कौन सा है? रेड है। और इधर कौन सा है हमारा? येलो है।
क्लियर। इधर हमारा कौन सा है, येलो है, और ये हमारा रेड है, इधर येलो है, ध्यान से देखना, इधर हमारा क्या है, येलो है, और इधर कैसा है, रेड है, यानी कि इधर पीला है और इधर कैसा है, लाल है, क्लियर। अब आप देखिए, अगर मैं कहूं नीचे लाल तो ऊपर पीला, नीचे लाल तो ऊपर कैसा है, पीला, ये हमारी क्या है, विपरीत सत है, एक तरफ रेड और एक तरफ क्या है, येलो है, क्लियर। तो अब आप देखिए, विपरीत सतह कभी भी पासे की एक साथ दिखाई नहीं देती है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी कैंडिडेट को अगर एक साथ लाल और पीला एक साथ दिखाई दे, मुझे तुरंत बताना, घुमा रहा हूं, आप जैसे कहोगे मैं वैसे घुमाऊंगा, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही घुमाऊंगा। अगर कभी भी आपको लाल और पीला एक साथ दिखाई दे तो मुझे बता देना, कभी नहीं देगा। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण बात, जिस पर पूरा वेस्ट होगा हमारा खुला पासा। तो देखिए, नोट करके यहां पर लिख लेना, पासे की विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये हमारी, कि पासे की विपरीत सतहें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए इस चीज की आपको पूरी जरूरत पड़ेगी, आपको कहीं उसमें ये पता इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोने कितने होते हैं, कोरे कितने होते हैं, तो वो सारी चीजें हमें कहां जरूरत पड़ेगी, क्यों, मैं बस आपको मैंने बता दिया, घन जब पढ़ोगे तो पूरा उसी पर बेस्ड होगा, उसी से आप फॉर्मूले से पूरी तरह से बच जाओगे। तो देखिए, अगर पासे की मैं प्रकार की बात करूंगा तो प्रकार हमारे कितने होते हैं, प्रकार हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं, पासे के कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, एक होता है मानक पासा और दूसरा हमारा कौन सा होता है, साधारण पासा। कौन सा होता है, साधारण पासा। अब देखिए, मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, देखिए मानक पासा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई संस्थान शुरू करने जा रहे हैं, तो जब कोई संस्थान शुरू करेंगे, कोई कॉलेज हमें शुरू करना है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें शुरू करना है, और अगर हमें गवर्नमेंट से उसमें हेल्प लेनी है, अगर हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वहां पर क्या होता है, मान लीजिए अगर कोचिंग सेंटर की हम बात करें, तो वहां पर कुछ विशेष मानक होते हैं, जो जैसे कि रूम, मान लीजिए आपका रूम किस, जो गवर्नमेंट मानक रखेगी कि आपका रूम 18x12 का होना चाहिए, 12x15 का होना चाहिए, एक रूम में निकास के लिए दो रास्ते होने चाहिए, कभी कोई दुर्घटना घट जाता कि बच्चे बहुत तेजी से बाहर निकल जाए, तो अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर चल रहा है तो एक कोचिंग सेंटर यानी कि एक या दो कमरे अगर हैं तो वहां पर कम से कम दो जीने होने चाहिए, जीने की चौड़ाई होनी चाहिए 5। इस तरह के विशेष मानक होते हैं, जैसे कोई भी अगर हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं तो जो बिल्डर जो हमारा मैप बन के आता है तो वो एक विशेष व्यवस्थित मैप होता है, लेकिन वहीं अगर हम किसी के बिना सहारे के अगर मान लीजिए हम अगर मकान बनाने लगे तो कहीं किचन होगी, कहीं लैट्रिन होगी, कहीं बाथरूम होगी, कोई सिक्वेंस नहीं होगा, लेकिन जब एक मैप बन के तैयार होता है तो वहां सारी चीजों के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है, मेन गेट होगा, गैलरी होगी, गमले के लिए भी स्थान होगा, मोटरसाइकिल के लिए विशेष स्थान होगा, फोर व्हीलर के लिए विशेष स्थान वहां पर उन लोगों ने छोड़ रखा होता है, तो वह हमारा क्या होता है, एक विशेष व्यवस्थित रूप, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं, मानक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं बैंक से लोन ले रहे हैं, जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, वो कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, अपने मानक तो तैयार कीजिए, तभी तो आगे की कार्रवाई की जाए, तो मानक का मतलब होता है एक विशेष व्यवस्था, व्यवस्थित तरीके से अगर कोई कार्य किया जाए तो वो क्या कहलाता है, मानक। तो मानक पासे का मतलब यही है, मानक पासे का मतलब क्या है, यानी कि यहां पर क्या होगा, विपरीत सतहों का, विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है मेरे भाई। तो यहां पर देखिए, मानक पासे में क्या होगा,
अब जो हमारे बच्चों की जो गोटी होती है, लूडो खेलने वाली जो गोटी होती है, वहां आप ध्यान से देखना, वहां आप जब ध्यान से देखोगे क्या देखोगे, अगर इधर एक है तो इधर छह होगा, इधर अगर तीन है तो इधर चार होगा, अगर इधर दो है तो इधर पांच होगा, यानी कि विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होगा, सात होगा, वही हमारा क्या होता है, महापाशा। लेकिन इसका कोई भी सिक्वेंस नहीं होता है, क्लियर। तो इन चीजों की भी एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती है, बस मैंने बता दिया है। कभी कभी एक सिंगल पासा दे दिया जाता है, अगर हम छोटे स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी वहां एक पासा दे दिया जाता है और मानक लिख देता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। वरना अगर आप एनटीपीसी वगैरह या एसएससी सीजीएल वगैरह का जो क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि जो पासे होंगे वहां तीन चार पांच पासे होते हैं, तो पासे जितने ज्यादा होंगे उतने ही पासे क्या होंगे हमारे, उतना ही क्वेश्चन क्या होता है, आसान होता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए आज मैं वो बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल है और जो आपका आ रहा है एमटीएस है या आपका जो 10+2 है या एनटीपीसी वगैरह, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, रीजनिंग में पासे ज्यादातर पूछा जाता है, तो वहां से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। भी बस आप बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक, अगर आप पूरी क्लास देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा। पूरे चैप्टर को केवल दो मेथड पर ही पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा, ए टू जेड सवाल होंगे आपके केवल दो मेथड पर। तो देखिए मैं आपको पहले मेथड की बात बताऊंगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं, देखिए। तो देखिए नियम नंबर एक, पहले नियम की मैं बात कर रहा हूं, नियम मैं उठाता हूं वन। देखिए जैसे कोई भी अगर हमारे पास ये पासे दे रखी हैं, तीन चार पासे दे रखी हैं, हमारे पास ये पासे दे रखे हैं, हम डरते हैं कि जितने ज्यादा पासे हैं उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नहीं भाई, जितने पासे ज्यादा होंगे उतना ही क्वेश्चन आसान होता है। 5, 2, 3 या मैंने 6, 4, 1 या फिर मैंने ले लिया 3, 2 मान लीजिए 1, इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिया। और मैं आपसे कहूंगा कि मेरे भाई ये बताइए पांच के विपरीत क्या होगा, पांच के विपरीत क्या होगा, तब आपको सीधा हमें पहुंचना है पांच पर। पांच के साथ तीन और दो दिया है, आप देखोगे तीन और दो नहीं दिया, यस ये तीन और दो दे रखा है, तो तीन और दो से तीन और दो हम काट देंगे, तीन और दो से तीन और दो सेम संख्याएं हम काट देंगे। ये हमारा काटा पीटी का नियम है, सबसे बेस्ट नियम है, पूरा चैप्टर इसी से लगेगा। देखिए 80% क्वेश्चन आपके इसी मेथड पर वेस्ट होंगे, यदि आपसे विपरीत पूछा जाएगा तो उसकी गारंटी दे रहा हूं 80% क्वेश्चन इसी से होंगे। तो देखिए पांच के विपरीत क्या होगा हमारा, एक हो जाएगा, यानी कि पांच के विपरीत आंसर क्या होगा हमारा, एक होगा। एक बार फिर से समझिए, इसने पूछा था कि पांच के विपरीत क्या होगा, फिर देखना क्वेश्चन बाद हवा में उड़ जाएंगे एकदम से, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पांच दो तीन सेकंड से ज्यादा समय लेगा आपका, बिल्कुल भी समय नहीं लेगा। यहाँ देखिए पांच है, आपसे पूछा पांच के विपरीत क्या होगा, तो पांच के साथ तीन और दो एक जैसे अंक देखेंगे, क्या देखेंगे, एक जैसे अंक, ए बी सी डी देगा, चिन्ह देगा, प्रतीक चिन्ह देगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप बने रहिए, 5-7 मिनट की बात है बस। देखिए यहाँ पर देखिए पांच के साथ तीन और दो है, तीन और दो है, तीन और दो से तीन और दो उड़ाओगे तो ये हमारा क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। देखिए अगला देखो, तो देखिए नियम नंबर टू, नियम हमारा टू क्या कहता है, देखिए नियम टू, आपने नियम टू तो सभी ने पढ़ा है अधिकांश। देखिए मैं पासे ले रहा हूँ भाई मेरे, इस तरह से मैंने पासे ले रहा हूँ, दो तीन पासे लेता हूं, देखिए मान लीजिए भाई मेरे, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ, जैसे अगर हमसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मेरे भाई तीन के विपरीत बताइए, तीन के विपरीत क्या होगा, मान लीजिए अगर तीन के विपरीत पूछा है तो आप तीन के विपरीत जैसे इन दोनों पासों को अगर लोगे तो तीन अंक दो बार दिखाई दे रहा है, बाकी अंक हमारे अलग अलग है, तो एक अंक ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका स्थान एक दूसरे तीन ने ले रखा है, तो अगर डायरेक्टली अगर हमसे तीन के विपरीत पूछा जा रहा है, ये अंक चारों अलग हों, यदि ये चारों अंक
अलग हो, कोई भी अंक सेम नहीं हो, और अगर ये उस अंक के विपरीत पूछा जाए जो दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए या उस ये जो अंक उस अंक के विपरीत पूछा जाए जो दो बार दिखाई दे रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है, पहली बात। अब दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहीं पर अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि दूसरा क्वेश्चन अगर हमसे ये कहा जाए कि यहां पर ये बताइए आप पांच के विपरीत क्या होगा, या अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए दो के विपरीत क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाएगा दो के विपरीत, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, यहां पर दो के विपरीत पूछ रहा है तो अब इन्हीं में दोनों में उठाएंगे सेम सेम एक अंक होगा उसे उठाएंगे और क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में सब लोगों ने पढ़ रखा है, बस दो एक सवाल इस तरह के आते हैं उसको हम इसे लगा देंगे। देखिए क्लॉक वाइज घूमते हैं तो तीन से हम कहां गए दो पर, और दो से हम कहां गए पांच पर, फिर तीन से कहां गए एक, तीन से कहां गए एक पर, और एक से कहां गए छह, तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा वो हम यहां लिख लेते हैं। और हमसे पूछा दो के विपरीत तो आंसर क्या होगा हमारा वन होगा, लेकिन ये बात रही बच्चों वाली, ऐसे नहीं घुमाइए आप, यहाँ पर तीन है, तीन के बाद फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप एकदम दिमाग में ये आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप टू और फाइव, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप वन और सिक्स, अब आपसे पूछा जा रहा है टू के विपरीत, तो ये फर्स्ट स्टेप तो यानी कि टू के विपरीत क्या होगा वन होगा, टू के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों वन हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि घुमाना नहीं है कि बना के फिर घुमा रहा है, एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होगा आपके पास कि एग्जाम में बना के घुमाओगे, आप केवल ये देखना है दो के विपरीत पूछा है तो दो के विपरीत जब हमसे पूछा है तो तीन के बाद फर्स्ट स्टेप, तीन के बाद फर्स्ट स्टेप दो के विपरीत हो गया, अगर पांच के विपरीत पूछा है तो फर्स्ट सेकंड स्टेप क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम सवाल लेते हैं, देखो कैसा गर्दा उड़ता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, डी के विपरीत सतह पर क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है डी के विपरीत हमसे अंक पूछा गया है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया वही हमें केवल एक ही नियम पर दिमाग लगाना है, सिर्फ एक ही नियम देखना है, खाटा पीटी नियम, क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमें डी के विपरीत पूछा गया, तो डी देखो टी ए रहा, डी के साथ बी सी सी, तो सी से सी कट जाएगा, आंसर क्या होगा ये होगा, कितनी देर लगी दो सेकंड लगे, या फिर आप यहाँ देख सकते हो देखो डी के विपरीत क्या था सी, या तो आप इन दोनों पास और पकड़ लेते, दो ही पास से पकड़े भाई, कभी कभी के सर हम ये पकड़े तो आप ये पकड़े तो वो दो सुटेबल पासे जिनसे आपका आंसर आ सकता है, पासे चार दे रखे हो, तीन दे रखे हो, पांच दे रखे हो, छह दे रखे हो, वो दो सुटेबल पासे जिनकी आपको जरूरत है, क्लियर। तो इन दोनों पासों से आपका आंसर आ रहा है, इन पे ध्यान नहीं देना है, या फिर अगर इस पे देना है तो मान लीजिए ये पासा नहीं होता, अगर ये वाले होते तो देखिए हमसे डी के पूछा तो सी बी सी बी सी बी से सी बी कटेगा ए आ गया, डी के विपरीत क्या आ गया, आंसर क्या होगा, ये लग गया सवाल। अगला सवाल देखिए, देखिए साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लगाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा है नीले के विपरीत कौन सा है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है डीपी का आया हुआ, दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए इसने यहाँ पर हमसे क्या पूछा, नीले के विपरीत क्या होगा, तो अभी मैंने क्या बताया जैसे नीला, नीले के साथ आप देखो नारंगी और बैंगनी है कहीं, नारंगी बैंगनी नारंगी नहीं है, तो देखिए नीले के साथ पीला नारंगी है कहीं, नहीं है। अब आप यहाँ देखो नीले के साथ लाल पीला, लाल पीले से लाल पीला, लाल पीले से लाल पीला, लाल पीले से लाल पीले, दोनों विपरीत यानी कि गुलाबी आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बन गया तीन सेकंड में। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीयू 2016 का क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखिए, उसने कहा है संख्या छह के विपरीत, संख्या छह के विपरीत, क्वेश्चन का आंसर तीन सेकंड में लगना चाहिए और पांच सेकंड में गोला भर जाना चाहिए, ध्यान से देखना भाई। इसने कहा देखिए एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके, बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आप लगाइए। इसने कहा छह के विपरीत, तो मेरे भाई छह के साथ देखिए दो तीन नहीं है, छह के साथ चार पांच, चार पांच देखिए चार पांच, 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 आंसर एक, ऑप्शन ए, आंसर एक, ऑप्शन ए। तो जो चीज हमें सुटेबल होगा वही पकड़ने, अब ये नहीं कि साहब ये क्यों नहीं लिए और ये क्यों नहीं लिए, बेकार की बात है, हमें चाहिए आंसर, हमें क्या चाहिए आंसर, जब हम आंसर चाहिए तो हमें छह के साथ चार पांच है, छह के साथ क्या है मेरे भाई चार पांच, तो चार और पांच देखिए बस, चार पांच से चार पांच कर जाएंगे, छह के विपरीत देख आंसर ए हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आकृतियों को आप ध्यान से देख लीजिए भाई, पहले आकृतियां देख लीजिए, कई सवाल आपने बहुत जल्दी से लगा दिए हैं, अब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें तीन क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर ये आपका क्या दे रखा है, चतुर्भुज आकृति है, ये क्या हमारा व्रत है, इसी तरह से ये ये चिन्ह दे रखे हैं, चिन्हों को बहुत ध्यान से देखो। अब हम बात करेंगे, देखिए जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, आपको मैंने बता दिया कि कितनी जल्दी कर सकते हो आप, मात्र 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से लगाएंगे। देखिए मैं बात करता हूँ कि त्रिभुज चिन्ह के विपरीत, त्रिभुज के विपरीत ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्वेश्चन मार्क, बी ऑप्शन गोला दे रखा है, सी ऑप्शन इक्वल है, तो डी ऑप्शन सी है, और ये दे रखा है आपका, तो डी ऑप्शन में कोई मिस्टेक लग रही है, देखना जरा डी ऑप्शन भाई क्या था, डी ऑप्शन देखो जरा, डी ऑप्शन क्या था, पहले क्वेश्चन में डी ऑप्शन में क्या दिया था, सी, अच्छा सी है, सी इसमें तो नहीं, चलो खैर कोई नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे कहा है त्रिभुज के विपरीत, त्रिभुज के विपरीत देखिए, त्रिभुज त्रिभुज के साथ है ये दो चिन्ह एक जैसे, देखो इस बारे में, तो ये आप दोनों हटा दीजिए, त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा मेरे भाई, ये गोला, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी, पहले आपका आंसर क्या होगा, बी। अब देखो यहाँ इन दोनों को पकड़ने से काम चल रहा है, क्यों पकड़े, अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि क्यों पकड़े, हमें देखना है त्रिभुज के विपरीत, त्रिभुज इन दो में है, तो हमने यहाँ पर त्रिभुज अगर आप पकड़ोगे तो ये दोनों एक जैसे चिन्ह है क्या, कहीं नहीं है, तो इसलिए हमने त्रिभुज के साथ ये दोनों एक जैसे चिन्ह हमें इस पासे में मिल रहे हैं, तो ये हमारे दोनों सेम सेम कट जाएंगे और ये विपरीत हो जाएगा। बात करता हूँ मैं चतुर्भुज के विपरीत, अब देखिए आप चतुर्भुज ये रहा, ये दोनों सेम चिन्ह है, ये दोनों सेम चिन्ह है, यहाँ देखो ध्यान से, ये चतुर्भुज है और इसके ये दोनों सेम चिन्ह है, तो मेरे भाई ये दोनों कट जाएंगे, जैसे ये दोनों कटेंगे चतुर्भुज के विपरीत क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा, यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। मैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का पूछा है, तो आप क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों एक जैसे कहीं नहीं, क्वेश्चन मार्क के साथ ये दोनों एक जैसे कहीं नहीं, क्वेश्चन मार्क के साथ ये दोनों एक जैसे, ये देखो ध्यान से, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों जैसे कटेंगे, तो क्वेश्चन मार्क के साथ क्या आ जाएगा मेरे भाई, क्रॉस का चिन्ह, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी। तो आप खुद देखिए, तीन क्वेश्चन तीन सेकंड। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, तो देखिए अगला एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया, उसमें देखिए यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ये कह सकता है कि अगर ऊपरी सतह पर एक है तो निचली सतह पर क्या होगा, या आपसे कहेगा एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, या आपसे कहेगा एक दाईं तरफ है तो दाईं तरफ क्या होगा, बात वही है भाई। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, उसने जो लिखा है क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए यदि बाईं तरफ एक है तो दाईं तरफ क्या होगा, तो आप देखिए मैंने आपको बताया कोई भी दो पासे पकड़ते हैं, अगर मैं एक लूं तीन और दो कहीं, अगर मैं एक लूं तो दो और पांच है, दो और पांच, देखो ये दो पांच से दो पांच कट जाएगा, तो एक के विपरीत क्या होगा, आंसर हमारा छह हो जाएगा, आंसर मेरे भाई क्या होगा, छह। अब देखिए सारे क्वेश्चनों में एक ही नियम लगाया जा रहा है भाई, एक ही नियम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, भाई कह रहे हो कि सारे क्वेश्चन एक ही नियम से हो रहा है, भैया मैंने पहले कह दिया 80-90% क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, काटा पीटी नियम आपका। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मान लो जैसे मैं अभी आपसे कहने लगूं कि यदि थोड़ी देर के लिए अगर हम मैं कह दूं आपसे कि मेरे भाई अगर हमारे पास ये पासा नहीं होता तो क्या करते, तो काटा पीटी का नियम तो आपका लगता नहीं, जब नहीं लगता तो मैंने आपको नियम नंबर दो जो बताया था, नियम नंबर दो आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी अगर एक संख्या सेम है तो आप उसको उठा लीजिए, और मैंने आपको क्या बताया था, जैसा हमसे पूछा जा रहा है कि एक के विपरीत, हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक के विपरीत, तो अब आप देखिए दो एक जैसे हैं, दो का फर्स्ट सेकंड, दो का सेकंड है ये, दो का क्या सेकंड, तो दो का फर्स्ट सेकंड, दो के सेकंड में क्या होगा, छह, दो के सेकंड में क्या होगा, छह, यानी कि क्लॉकवाइज घूमे, तो दो दोनों में सेम है, तो फर्स्ट सेकंड, दो का फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्या होगा, छह, तो आप अपना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, ये तो बहुत ही कम क्वेश्चन हम लगेगा, अधिकांश हमारा वही लगेगा, यदि कई क्वेश्चन फंसता है आपका तो नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके बताओगे, या मेरे पर्सनल नंबर पर फोन भी कर सकते हो, नंबर सबके पास होना चाहिए। तो देखिए और बाकी इसके जो और भी जो हमारे प्रॉब्लम्स के सवाल होंगे उसको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी रोक दिया है कि कैलेंडर के सवाल हैं, इसके सवाल हैं, हो सकेगा कि मैं दोनों का एक ही बताऊंगा, वरना अलग अलग दोनों की वीडियोस बना दूंगा। अभी हम इसकी तरफ चलते हैं, जो खुले पासे की बात करेंगे, देखो खुला पासा किस तरह से सेकंडों में सॉल्व होता है, चलते हैं उधर। देखिए अब हम बात करेंगे खुले पासे की, तो खुले पासे में सिर्फ एक ही बात आपको पता होना चाहिए, जो मैंने नोट करके अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखाया कि कभी भी विपरीत सतह पासे की एक साथ दिखाई नहीं देती है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक तरफ अगर पीला एक तरफ लाल है तो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात की अगर मैं बात करूं, दूसरी महत्वपूर्ण देखिए बात करता हूं, जैसे मैं बुक्स ले रहा हूं, मैंने आपके लिए ये दो बुकें ली हैं,
और दो बुक लेने के बाद मैंने इस तरह से इन बुकों को यहाँ पर रख लिया है, यानी कि तीन सतह बनानी है। कितनी सतह बनानी मेरे भाई? तीन। जब तीन सतह, एक सतह को बीच में लेने के बाद अगर मैं इन दोनों सतह को उठाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत जाएंगे। अगर मैं इस तरह से यहाँ पर इसको लगाता हूँ, लगाने के बाद अगर मैं इन्हें उठाऊंगा तो ये एक दूसरे के क्या बनेंगे? विपरीत। यानी कि जैसे मैं एक सतह को लूंगा तो वो हमारी क्या बनेंगी? विपरीत बन जाएंगी। क्या बनेंगी? विपरीत। क्लियर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए एक सतह हम बीच में लेंगे, ये वाली सतह इसके विपरीत होगी और ये वाली सतह इसके विपरीत होगी और ये अपने आप ही क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। क्लियर? ये वाली सतह इसके विपरीत होगी, ये सतह इसके हो जाएगी और ये सतह अपने आप ही इसके विपरीत हो जाएगी। और आपको एक ही बात दिमाग में रखनी, खुला पासा जैसे दिखाई दे कि भाई विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है, सर ने बता दिया है। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया है कि कभी एक साथ दिखाई नहीं देगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस आकृति को बंद करने पर कौन सा आपका बनेगा पासा? देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज के साथ ये आकृति नहीं दिखाई देनी चाहिए, तो ये तो दिखाई दे रही है, तो बनेगा नहीं, गलत हो गया। देखिए, ये यहाँ पर स्टार है, स्टार के साथ चतुर्भुज नहीं दिखाई दे रही, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, ये तो हो नहीं सकता। चतुर्भुज के साथ स्टार नहीं दिख रहा है। गोले के साथ ये क्रॉस का चिन्ह नहीं दिखाई देना चाहिए भाई, ये भी नहीं, तो आंसर डी होगा। चेक करके देख लेते हैं, त्रिभुज के साथ ये निशान नहीं दिख रहा है। यस, अब यहाँ पर आप देखिए, चतुर्भुज के साथ स्टार नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसके साथ गोला नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है? डी। बात समझ में आ गई? तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। एक बार फिर से देखिए, यहाँ त्रिभुज के साथ ये हैज नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टार के साथ चतुर्भुज नहीं दिखाई देना चाहिए, जो कि दे रहा है, तो नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए, क्रॉस के चिन्ह के साथ गोला नहीं दिखाई देना चाहिए, वो दिख रहा है, नहीं, तो आंसर हमारा क्या होगा? अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लगाइए, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा उसने। ये हमारा दे रखा है, इस आकृति को बंद करने पर यहाँ पर देखना है कि कौन सी आकृति हमारी बनके तैयार होगी। इसका देखिए कि इसका अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन होगा, इसको आप लगाइए। बहुत सीधा सा है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि दो के विपरीत क्या हो जाएगा? चार। एक के विपरीत क्या हो जाएगा? छह। और पांच के विपरीत क्या होगा? तीन। ये बात समझ में आ गई? एक सतह बीच में लेने के बाद विपरीत। अब आप यहाँ पकड़ लो, पहले छह के विपरीत एक नहीं दिखना चाहिए, देखिए तीन, तीन के विपरीत पांच नहीं दिखना चाहिए, दो, दो के विपरीत चार नहीं दिखना चाहिए, आंसर क्या होगा? डी होगा। देख लो, एक के विपरीत छह है, कहीं नहीं दिख रहा, तीन के विपरीत पांच है, नहीं नहीं, चार के विपरीत दो है, नहीं नहीं, तो आंसर हमारा क्या होगा साथियों? डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे रही, केवल ये आकृति ऐसी बन रही है, तीन के और चार के और एक के विपरीत वाली इनके दिखाई नहीं दे रहे, बाकी में दिखाई दे रहे। अगला देखो कितना बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा सवाल करने में। तो देखिए, मैथ 2011 का क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा सवाल दिया उसने। इसी तरह के जब हम सीजीएल वगैरह में देखते हैं, सीजीएल है, एनटीपीसी, इसी तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। मैंने आपको टाइप्स बता दी, अब आप लोग बुक से लगाइए और जहां भी सवाल फंसता हुआ दिखाई दे तुरंत मुझे बताइए, बाकी मैं आपका हार्ड क्वेश्चन का एक और वीडियो लेके आऊंगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये दो हमें आकृतियां दे दी हैं कि जो दे दिया है पांच तीन दो एक पांच चार, अब इनको प्रसारित करने के बाद कौन सी आकृति हमारी बनेगी? तो मेरे भाई आपको एक चीज यहाँ पर पकड़ में आ रही है कि एक अंक दिखाई नहीं दे रहा है, पांच के विपरीत कितना होगा? छह। तो आप यहाँ देखिए क्या है पांच के विपरीत, देखो ये दोनों अंक विपरीत होंगे, क्या पांच के विपरीत छह है? नहीं है। क्या पांच के विपरीत छह बन जाएगा? एक के विपरीत छह बन रहा है। क्या यहाँ पर पांच के विपरीत छह? भाई मेरे लग तो क्या रहा, क्या देखो इसमें, अच्छा देखना क्या इसमें, कुछ लगाना है सवाल? कुछ नहीं लगाना है, सवाल आया है मुझे, सबसे हार्ड कुछ नहीं बनता है। तो अब आप ध्यान से देखो, इसने कहा है कि ये बताइए इन दोनों पासों से खोलने पर कौन से पास हमारा खोल के तैयार होगा। तो आप जरा एक बार ध्यान से देखिए, ये पांच मैंने अभी आपको क्या बताया, जो अंक दो बार दिखाई दे रहा है, जो अंक दो बार दिखाई दे रहा है उस अंक के विपरीत वह अंक होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई, आपका नियम नंबर टू में ही बताया था मैंने कि पांच के विपरीत छह होगा। तो यहाँ देखो पांच के विपरीत कितना है? तीन। क्या छह है? नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखना, ये एक के विपरीत छह, पांच के विपरीत तीन बनेगा? नहीं बना। पांच के विपरीत तीन बना? नहीं बना। यहाँ बनना पांच के विपरीत छह हो गया, खत्म कहानी। और अगर पूरे डिटेल में तो आपको क्या करना है, पांच लोग क्लॉक वाइज घूमे, फाइव फर्स्ट थ्री सेकेंड टू फाइव, फाइव फर्स्ट फोर सेकंड, वही लेना है, घुमाना नहीं, बच्चों की तरह नहीं घुमाते यार, पढ़े लिखे हो तुम सब, ग्रेजुएट हो, ठीक है।
अब यहाँ पर कितना आया मेरे भाई 6, तो ये देखो ना, एक के दो के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, यहाँ आप देख सकते हो कि 2 के विपरीत कहीं 4 है, नहीं, देखो 2 के विपरीत इसमें 4 बना, 2 के विपरीत 1 बना कहीं, नहीं, देखो 2 के विपरीत 1 बना कहीं, नहीं, 2 के विपरीत 1 इसमें बन गया, 4 के विपरीत 3 बन गया, ये है हमारा पासा खुला हुआ, खत्म पूरा पासा। अब लेके आएंगे जो और क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, उनको सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे। बस आपका पासा मैंने बता दिया है, आपका क्वेश्चन कोई नहीं फंसेगा, कोई फंसता है मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कीजिए 9027272782, मेरा नंबर है 9027272782। ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क करें तिलक सिविल क्लासेस चंदोसी, और आपका नया बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, एक बैच आपका 12 बजे और दूसरा बैच आपका 3 बजे, फर्स्ट फरवरी से यानी कि 1 फरवरी से आपका बैच नए स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क करेंगे, और ऑनलाइन क्लासेस भी मैं जल्दी से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अभी तक हमारा वीडियो ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, लाइव क्लास आपकी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। क्लियर, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वेट कीजिए, जहाँ सवाल को कोई करते हैं।